हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। मेरा नाम है उमा। उमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेल का मुरब्बा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम आज चीनी से नहीं बनाएंगे, गुड़ में बनाएंगे। जो शुगर पेशेंट है वो गुड़ से खा सकता है, इसीलिए हम चीनी का नहीं बना रहे, गुड़ का बना रहे हैं। आप चैनल में नए आए हैं, सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेल को हम इसको तोड़ के उसका बीजा निकाल दिए हैं। इसको ऐसे छेदा छेदा कर दीजिएगा। इसको ऐसे बीच से देखिए कितना अच्छा हम काट दिए हैं। हम इसमें 3 गिलास पानी गरम कर पहले से चढ़ा दिए थे। अभी थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं ताकि नमक देने से कसापन उसका निकल जाए। अभी इसमें बेल को डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पकने तक इसको हम ढक कर अभी रख देंगे। अभी थाली को हटा दे रहे हैं। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे हल्का उबला हुआ होना चाहिए। इसको भी गैस बंद करके इसको निकाल देंगे। एक कटोरी में पानी लिए हैं, देखिए इसी में डालेंगे। अभी 2-3 बार इसको हम धो लेंगे अच्छा से। हम इसमें 200 ग्राम गुड़ लिए हैं, इसको डाल दे रहे हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, कम से कम हम आधा गिलास तक दिए पानी। इसको अभी ऊपर पकने देते हैं। इसको एक गुड़ को हम ऐसे छाक लेंगे। इसमें कंकड़ रहता है, बालू रहता है इसमें। ये देखिए कितना कंकड़ है। इसको अभी कढ़ाई को धो के फिर से चढ़ा देंगे गैस पर। एक गुड़ को फिर से डाल दे रहे हैं, इसको पकने देते हैं थोड़ा। अभी गुड़ को हम देख लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा तार बन रहा है। इसमें अभी इलायची पाउडर दे रहे हैं और बेल को अभी डाल देंगे इसी में। अभी इसको 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छा से पका लेंगे। इसे देखिए मेरा बेल का मुरब्बा बन गया है। इसको अभी गैस बंद कर दे रहे, बाद में अभी आपको दिखाएंगे। मेरा बेल का मुरब्बा बन चुका है, देखिए कितना टेस्टी बना हुआ है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।